नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और मैं बनाने जा रही हूँ आज एक हेल्दी स्नैक्स। तो देखिए, मैंने बहुत सारी तरह की दाल को भिगा के रखा है और उसमें हम बनाएंगे एक अच्छी सी दाल की इडली। पर पहले हम बनाते हैं नारियल की चटनी जो हमें इडली के साथ खानी है। तो देखिए, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही। बहुत ही लाजवाब बनेगी ये चटनी। आप बस इंग्रेडिएंट्स नोट करिए। और थोड़े मैंने डाल दिए ये भुने हुए चने बिना स्किन के, और मैं डाल रही हूँ ये डेसिकेटेड नारियल पाउडर। साथ में जाएगी थोड़ी सी अदरक और हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। बहुत ही यूनिक और बढ़िया बनेगी ये नारियल की चटनी। और साथ में जाएगी ये मूंगफली। ये सब डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती और हम बना लेंगे हमारी चटनी। तो चलिए, पहले मैं इसको ब्लेंड करके चटनी को करती हूँ तैयार। तो देखिए, नारियल की चटनी के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए और मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर नमक और मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। और अब हम इसको पीस लेंगे एक फाइन पेस्ट में। तो ये देखिए, मैंने अपनी नारियल की चटनी को बना लिया। वाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आया है और लाजवाब तो ये होगी। तो बस अब मैं खाली करने जा रही हूँ अपनी इस चटनी को। इसमें बाद में आप कड़ी पत्ता और राई का भी तड़का लगा सकते हैं, बट दैट्स प्योरली ऑप्शनल, क्योंकि वैसे मैंने इसके अंदर सब चीजें डाल दी हैं। तो ये देखिए, मेरी बढ़िया सी नारियल की चटनी हो गई तैयार। और अब हम दाल को पीसेंगे अपनी इडली के लिए। तो देखिए, ये रात को मैंने सब तरीके की दालों को इसमें डाला है। आप देख सकते हैं अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सारी दालों को। ये क्योंकि हम न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको एक छन्नी के अंदर हम इस तरह से पोर कर देंगे ताकि ये सारा जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी है और आप खुद ही देख रहे होंगे कि सब दालें हैं तो ये प्रोटीन ब्रेकफास्ट है, पावरफुल प्रोटीन ब्रेकफास्ट। और इसको हम स्टीम करेंगे, सो देयर इज नो ऑयल। और इसको देखिए, मैंने इस तरह से ड्रेन कर लिया, ये पानी सब निकल गया। ये पानी भी आप पेड़ों में डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी पानी है, क्योंकि मैंने सारी दालों को धो के रखा था। अक्सर लोग इसमें आटा भी गूंद लेते हैं। तो चलिए, अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने दूसरा ब्लेंडर ले लिया। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि ब्लेड स्मूथली घूमे। और ये है मेरी मल्टी ग्रेन सारी दालें जिसको मैं इस तरह से इसके अंदर डालूंगी। बहुत ही लाजवाब इडली बनके होगी तैयार। आप चाहें तो ढोकले के बर्तन में भी इसको स्टीम कर सकते हैं, देन यू कैन कट देम इनटू पीसेस। पर मैं आपको इडली के बर्तन के अंदर दिखा रही हूँ। बहुत ही स्मूथ इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसको इसी में ही बहुत टेस्टी कर लेंगे, ताकि डायरेक्ट ऐसे ही खाने में ये स्नैक बहुत अच्छा लगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन और हरी मिर्च, और साथ में मैं डालूंगी अदरक और मैं डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया। तो इसी में मैं डाल दूंगी नमक और इसको अब हम पीस लेते हैं। अब देखिए, ये दाल मेरी बढ़िया हो गई तैयार। तो इसको हम एक बोल के अंदर निकालेंगे। ये हमारी इडली के लिए लाजवाब
तैयार हो गई। इसी दाल से आप चीला भी बना सकते हैं, मल्टीग्रेन चीला बन सकता है। आप दाल के ढोकले भी बना सकते हैं। ढोकले की रेसिपी मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो देखिए अब हो गया हमारा दाल का बैटर तैयार। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये जो इनो है ये मैं दाल के अंदर डालूंगी, क्योंकि जब भी हम इडली बनाते हैं तो थोड़ा सा बैटर को सॉफ्ट करेंगे। तो ये मैंने इनो इसके अंदर स्प्रेड कर दिया, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी इसके रिएक्शन के लिए। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया ये रिएक्शन हो गया। तो इससे क्या होगा, बैटर थोड़ा फ्रॉथी हो जाएगा। अब बस हमें जल्दी से इसको ट्रांसफर करना होगा अपने इडली की प्लेट्स में। तो ये मेरा बिल्कुल फ्रॉथी होके बैटर हो गया तैयार। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करी है, तो हम इसकी ग्रीसिंग कर देंगे इस तरह से एक ब्रश की सहायता से। और झटपट हम इसमें ये बैटर डालेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसको डालते जाइए और मैंने इडली के बर्तन को पानी डाल के स्टीम होने के लिए रख दिया है। है ना मजेदार और स्वादिष्ट, तो आपको पता ही है इसमें मिर्च है, अदरक है और नमक है। और अब इसको हम थोड़ा सा धनिया पत्ती से भी सजा देंगे। तो ये हो गई हमारी इडली की प्लेट तैयार। है और इसके अंदर मैं रख दूंगी मेरा इडली का बर्तन। हम सिर्फ स्टीम कर रहे हैं इस दाल को और बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी वेरी टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस। और खाएंगे इसको नारियल की चटनी के साथ। तो मैंने अब इसको ढक दिया है और मिलते हैं 10 मिनट के बाद जब ये पूरा अच्छे से स्टीम हो जाएगा। अब देखिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं इडली हो गई है बिल्कुल तैयार। मैं इसको एक बार डाल के देखती हूँ तो ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसके मतलब हमारी इडली स्टीम हो चुकी है। तो बस अब इस बर्तन को मैं यहाँ निकाल लूंगी और हम इसको अब बनाएंगे। तो ये देखिए दाल की इडली हो गई तैयार, एकदम स्टीम्ड बढ़िया। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे और इस तरह से इसको रखते जाएंगे। है ना बढ़िया नाश्ता, कितना अच्छा बिना ऑयल का स्टीम करा हुआ मल्टी ग्रेन फुल प्रोटीन ब्रेकफास्ट, वेरी वेरी नाइस। तो देखिए इस तरह से हमारी ये इडली हो गई तैयार। और अब इडली को मैं करूंगी थोड़ा सा फ्राई, क्योंकि उससे आएगा बहुत ही अच्छा स्वाद। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए जो मैंने नारियल की चटनी बनाई थी उसके अंदर मैं ये एक तड़का लगाऊंगी, जिसके अंदर मैं डालूंगी ये साबुत मिर्च। और साथ में डाल दूंगी ये राई, है ना पड़ी। तो ये हो गया हमारी नारियल की चटनी लाजवाब तैयार। अब हम अपनी इडली को भी इसी तरह से शैलो फ्राई करेंगे, बिल्कुल एक चम्मच ऑयल के अंदर। तो देखिए एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है ऑयल, क्योंकि मैं इडली को अब फ्राई करूंगी।
तो मैं इधर पे देखिए कि मैं कुछ पीसेस को इस तरह से हाफ में काट रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप इसको पूरा साबित भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं कुछ पीसेस हाफ करूँगी और कुछ ऐसे ही मैं रख दूंगी। दोनों ही तरीके से इडली बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगेगी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये, बहुत ही अच्छी लाजवाब। तो इधर पैन में ऑयल हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ राई और ये हरी मिर्च। और जब मैंने ये डाल दिया तो मैं डालूंगी इसके अंदर ये इडली, ये साबुत इडली भी हम इसमें डाल देंगे। चॉइस आपकी है, जैसा मैंने कहा दोनों ही तरीके से बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं, पर मैं क्योंकि इसको चटनी के साथ सर्व करूंगी तो मैं इसके अंदर अब कुछ नहीं डाल रही, क्योंकि नमक है, लहसुन है, अदरक है और थोड़ा सा ये बस हमारा फ्राइंग प्रोसेस है। और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर धनिया पत्ती। बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी वेरी यमी डिलीशियस एंड टेस्टी। तो चलिए अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो देखिए ये है मेरी हरे धनिए की चटनी, लाजवाब। और मैं साथ में रख रही हूँ ये थोड़ी सी नारियल की चटनी। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, आप देखेंगे तो आपके भी मुंह में पानी आ ही रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। और ये रिमेनिंग चटनी को मैं इस तरह से यहाँ रख दूंगी, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, ये इडली इस तरह से सर्व करेंगे। बहुत ही प्यारी कुछ साबित वाली मैं एक साइड में लगा रही हूँ इस तरह से, और ये इडली। तो ये दाल की इडली आपको कैसी लगी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और शेयर करिए, अपना थम्स अप दीजिए, क्योंकि ये एक बढ़िया ब्रेकफास्ट है। और इसमें ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आप इसको तैयार करके भी इस तरह से रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन ब्रेकफास्ट दैट आई हैव मेड फॉर यू। होप यू विल लव दिस न्यूट्रिशियस डिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग संगीतास किचन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव माई किचन।